सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से पुलिस की जांच जारी है। इस दौरान अभी तक 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पुलिस कर भी चुकी है। जहां सुशांत के लंबे समय से डिप्रेशन से जूझने की खबर आई, तो वहीं उनकी कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ भी उनकी अनबन की खबरें मिली। इसी बीच मुकेश भट्ट ने ये कहकर सभी को चौंका दिया था कि जब वो कुछ समय पहले सुशांत से मिले थे, तभी उन्हें उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं लगी थी और इस बारे में उन्होंने महेश भट्ट से बात भी की थी। इन सब के बीच महेश भट्ट के ऑफिस में काम करने वाली उनकी सहायक सुहर्ता दास ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर रिया चक्रवर्ती से जुड़े कई खुलासे किए हैं। सुहर्ता लिखती हैं, प्रिय रिया, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरी दुनिया शोक व्यक्त कर रही है और मैं तुम्हारे लिए दृढ़ और मजबूत होकर सदमे से उबरने की प्रार्थना करूंगी। मैं एक मूक दर्शक की तरह रही हूँ। तुम सुशांत को साथ रखने और ठीक करने की असंभव कोशिश करती थी। एक माँ और देश की एक नागरिक के नाते मेरा नैतिक कर्तव्य है कि एक बार फिर मैं सभी को याद दिलाऊं कि डिप्रेशन विनाशकारी है। चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई हल नहीं है। आप हर बार भट्ट साहब से सलाह लेने के लिए ऑफिस आती थी या उनसे फोन पर बातें करती थी। उस दौरान मैंने आपकी यात्रा, आपके संघर्ष को देखा है। सुशांत की छत की शाम को भूल पाना नामुमकिन सा है। लगभग महसूस किया कि वो ठीक है, जबकि वो दूर जा रहा था। महेश सर ने ये देख लिया था और यही कारण है कि उन्होंने अपने मास्टर जी यूजी की चेतावनी देते हुए परवीन बॉबी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा, दूर चले जाओ या ये तुम्हें साथ ले जाएगा। आपने अपना सब कुछ दिया और यही नहीं, बहुत ज्यादा किया। आपको बता दें कि सुहर्ता दास के फेसबुक बायो के अनुसार वो महेश भट्ट और मुकेश भट्ट की प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स में काम करती हैं। सुहर्ता ने 14 जून को फेसबुक पर ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था जो अब वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से अक्सर सलाह लेती रही थी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।